हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक को लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्र और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में सर्वपितृ अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब समाप्ति। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2023 में सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष की आखिरी तिथि होती है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:50 पर प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि 11:24 पर समाप्त होगी। साथ ही इसी अमावस्या के दिन इस साल सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, यह अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि होगी 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 8:34 से सुबह 2:25 तक। सर्वपितृ अमावस्या पर कैसे दे पितरों को विदाई। सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहनकर पितरों के नाम का तर्पण करें, दक्षिण मुखी होकर बैठें और एक तांबे के पात्र में गंगा जल या स्वच्छ पानी भर लें। उसमें काले तिल और थोड़ा कच्चा दूध कुश डालकर तर्पण करें। तर्पण करते वक्त इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृ गणाए विद्महे जग धारणीय धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात, और पितरों की शांति की प्रार्थना करें। इस दिन ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं, भोजन में खीर जरूर बनवाएं। ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाया है उसमें से 5 हिस्से निकाल दें। देवताओं के गाय कुत्ते कौए और चींटियों के लिए यह अनुष्ठान आमतौर पर परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य द्वारा ही किया जाता है। अब ब्राह्मणों को वस्त्र और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इस दिन दीप दान करने की परंपरा भी है। हालांकि अलग अलग जगहों पर देश काल पितृ विसर्जन की विधि अलग अलग है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।